स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसका नाम है आपका नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ डिसाइपल। अब जो हम पहले पढ़ चुके थे आपके कमिटीज जो थी, कमीशन थे, जिन्होंने आपकी स्टडी और लैंग्वेज को लेकर जो सुझाव दिए थे उसके बारे में, और फाइनली उसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो आपका ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला पर दिया गया था। पर उसको फाइनल शेप किस तरह से दिया गया, कौन कौन किसके अकॉर्डिंग उसको स्टेप बाय स्टेप एक फाइनल शेप दिया गया, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो एडवाइसरी बोर्ड उसके लिए बिठाया गया था ट्राई लैंग्वेज जो आपका फॉर्मूला है उसको शेप देने के लिए, उसको फाइनल टच देने के लिए जो सबसे पहला जो कदम उठाया गया था वो था हमारा सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड 1956। सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड 1956, तो जो सबसे पहले स्टेप लिया गया था उसको शेप देने के लिए वो था हमारा सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड 1956। तो जो सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मेड इट्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ईयर 1956, यानी उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो रूपरेखा तैयार की वो 1956 में की एज द फॉलोइंग। उनका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, पहला फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था उनका, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट उसमें था मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लिख के, आपका एमटी यानी कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये ट्राई लैंग्वेज जो आपका फॉर्मूला है उसमें जो जो लैंग्वेज ली गई थी वही। दूसरा द कंबाइंड करिकुलम ऑफ मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। तो दूसरा उन्होंने बताया कि हमें इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना चाहिए, किस तरह से आपका जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था उसको किस तरह से उन्होंने शेप दिया अपने करिकुलम में डालने के लिए, सबसे पहले मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। दूसरा उन्होंने बताया कि द कंबाइंड करिकुलम ऑफ मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। तीसरा उन्होंने बताया मिक्स्ड करिकुलम ऑफ मदर टंग एंड क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट उन्होंने बताया मिक्स्ड करिकुलम ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि पहले बताया उन्होंने मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, फिर कंबाइन किसको किया उन्होंने रीजनल लैंग्वेज और सॉरी मदर टंग और क्लासिकल लैंग्वेज को, फिर उन्होंने मिक्स्ड किया किसको आपका मदर टंग सॉरी रीजनल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज। पहले इसमें क्लासिकल लैंग्वेज को पहले स्थान दिया गया, दूसरे में रीजनल लैंग्वेज को दिया गया। तो इस तरह से सबसे पहले कंबाइन उन्होंने किया ये रीजनल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज, फिर क्लासिकल लैंग्वेज को फर्स्ट किया और रीजनल लैंग्वेज को सेकेंड पार्ट किया। इस तरह से उन्होंने एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट उनका तैयार किया। फिर नेक्स्ट ये जो था इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट में पहला, दूसरा जो उन्होंने लैंग्वेज को चुना, जो ट्राई लैंग्वेजेस में एक ही विषय मतलब एक ही लैंग्वेज के अंदर इस तरह से कॉम्बिनेशन किया, पहली लैंग्वेज आपकी ये हुई, दूसरी लैंग्वेज आपकी हुई हिंदी और इंग्लिश, दूसरी आपकी लैंग्वेज हुई हिंदी और इंग्लिश, ये आपकी दूसरी लैंग्वेज कहलाई, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कहलाई वन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज, तीसरी उन्होंने बोली मॉडर्न और यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। तो पहली आपको पता चल गई, फर्स्ट थी आपकी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, दूसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड स्टडी ऑफ रीजनल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट उसके अंदर उन्होंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, फिर उन्होंने बताया हिंदी और इंग्लिश, और तीसरा उन्होंने बताया मॉडर्न और यूरोपियन, यानी इस तरह से उन्होंने एक अपना सेटअप तैयार किया ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले में कि किस किस भाषाओं को हमें उसमें शामिल करना चाहिए। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट उनका जो था, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था उनका, सेकेंड कॉन्सेप्ट के अंदर सेम एज द फर्स्ट फार्मूला, जो फर्स्ट फार्मूला था उनका वही लिया गया, जो फर्स्ट फार्मूला था हमारा मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। दूसरा था इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वही आपका पहला तो आ गया आपका एस एम एस फर्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट जो आपका आया वो है आपका मॉडर्न लैंग्वेज या फिर
इंग्लिश और वन मॉडर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लिया और वन मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा जो उन्होंने लिया वो है हिंदी फॉर नॉन स्पीकिंग रीजन, तीसरा उन्होंने लिया हिंदी। हिंदी कहाँ पर बोलनी है, जहाँ पर नॉन स्पीकिंग एरिया ऑफ, नॉन स्पीकिंग एरिया ऑफ हिंदी, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहीं पर, यानी कि सेकंड जो कॉन्सेप्ट था उनका, फर्स्ट फॉर्मूला जो था वही लिया उन्होंने, सेकंड में इंग्लिश और वन मॉडर्न लैंग्वेज को लिया, और तीसरा उन्होंने हिंदी को लिया, और ऐसे एरिया में जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती वहाँ पर हिंदी का नॉलेज कराने के लिए उन्होंने थर्ड जो लैंग्वेज ली वो हिंदी ली। अब चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट कौन सा था उनका, तीसरा जो था चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का, जो 1961 में हुआ। इन द ईयर ऑफ 1961 इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर सम पार्शियल चेंजेस वेयर डन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर नोटेड थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जो हमारा थ्री लैंग्वेज फार्मूला था उसके अंदर 1961 में थोड़ा सा चेंजेस लाया उसमें, जैसे फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इट थ्री लैंग्वेज फार्मूला। अब जो फाइनली जो इसका आगे जाके जो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट आया उसमें उन्होंने हिंदी सबसे फर्स्ट लिया, हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर हिंदी को लिया गया एज अ मदर टंग। दूसरा उन्होंने लिया एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, कोई सी भी एक इंडियन लैंग्वेज, और तीसरा उन्होंने लिया इंग्लिश, जहाँ पर हिंदी बोली जाती वहाँ पर इंग्लिश लिया, और जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पर, सॉरी जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर, तो जैसे जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, हिंदी स्पीकिंग जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर इंग्लिश को महत्व दिया, और उसमें किस तरह से दिया, रीजनल लैंग्वेज को मदर टंग का दर्जा दिया, और दूसरा उनका लिया हिंदी और इंग्लिश को, इस तरह से उन्होंने थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला था उसको क्रिएट किया। अब फिर वापस से उन्होंने जो रिविजन किया कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला मोर एफिशिएंसी रिविजन्स आर मेड बाय ट्वाइस इन 1962 टू 1964, यानी 1962 से 1964 का जो एरा रहा वो उनका रिवाइज करने का रहा था थ्री लैंग्वेज फार्मूला का, और इसके अंदर भी वही जो फार्मूला जो सेम हमारी जो लैंग्वेज चलती गई उसी को एंड में इस लैंग्वेज में तीन भाषाओं को उन्होंने शामिल किया, रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश और मॉडर्न और यूरोपियन लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, थैंक यू। इसके बाद में जिस तरह से किस तरह से रिवाइज करके इसको फर्स्ट प्राइमरी क्लासेस में डिवाइड किया गया, सेकेंड अपर प्राइमरी में किया गया, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, कौन कौन से फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लिया, और थर्ड स्टेप इसका जो चैलेंजिंग स्टेप था वो था। तो आप इतना याद रखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी।